हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो रिफंड का जो फॉर्म है उसको आखिरकार आपको कैसे फिल करना है। आपको जो है इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे कि आपको जो ओटीपी है वो दिक्कत आ रही होगी कि ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, ओटीपी कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। बाकी रोल नंबर कैसे चेक करें, रोल नंबर की दिक्कत हो रही होगी, रोल नंबर कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आईएफएससी कोड बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता क्या होता है, ठीक है। मतलब मात्र 2 मिनट में आपका फॉर्म जो है मैं भर के बता दूंगा, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है ना। और जिसकी जो लिंक है वो आपको मालूम है 11 अगस्त को जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फिल आरआरबी एनटीपीसी रिफंड फॉर्म। सारी क्वेरीज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपके दुख दर्द है वो सब दूर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आपको आपका जो पैसा है, आपने जो फॉर्म भरा हुआ था उसका जो पैसा है बाकी का रेलवे देने जा रही है आपको, तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर लाइक पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट ही जो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपको ये दिख रहा हुआ ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पर सीधे डायरेक्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम आ चुके हैं रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सीईएन देख लीजिए, 1/01/2019 लिखा हुआ है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन, ठीक है ना, बैंक एग्जाम डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है बैंक एग्जाम डिटेल फॉर एग्जाम फी रिफंड ओनली फॉर सीबीटी अटेंडेंट, जिन्होंने केवल सीबीटी वन में भाग लिया था केवल उन्हीं के लोग पैसे जो हैं वापस किए जाएंगे, बाकी के नहीं किए जाएंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ क्या है पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आपका रोल नंबर डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, और रोल नंबर कहाँ मिलेगा मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। ओटीपी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो जो है देखना, तभी आप इसका सक्सेसफुल कर पाओगे, ठीक है ना। ओटीपी आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, तो और इसकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चलिए रोल नंबर क्या है और ये कहाँ से मिलेगा, जैसा कि आपको वैसे वैसे सब मालूम होगा फिर मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं देखिए ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीएन जो है 2019 का रेलवे भर्ती बोर्ड का मेरे पास जो है वो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है, और यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड का आपको ऊपर का जो है कैंडिडेट फॉइल मिला हुआ, दो पूरा जो पेपर था उसका आधा भाग आपके पास था, आधा भाग उन्होंने जमा कर लिया था। तो उसमें आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये दिख रहा हुआ रोल नंबर करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पूरा बड़ा सा है, मैंने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं ये, तो ठीक है उस पर चेक करना है। यहाँ पर फोटो था, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, आपको जो है सिर्फ रोल नंबर की जरूरत है। तो इस तरीके से लिखा हुआ कम से कम 10 नंबर से ज़्यादा का है, 11 या 12 नंबर का वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका मतलब डिटेल वगैरह पूरी इसमें दी रखी हुई, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ये रोल नंबर चाहिए और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपको इसको लेने के बाद क्या करना है, आपको दोबारा से उसी जगह पर जाना है जहाँ पर मैंने आपको लिंक दी है, आप उसके उस थ्रू जाएंगे, तो मैं वहीं पर आपको ले चलता हूँ। तो देखिए ये हम वहीं पर आ चुके हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था रोल नंबर डालना, तो आप हम यहाँ पर रोल नंबर फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वो, बट अब दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आएगी, जब जो आपका ओटीपी है आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। आप कहेंगे सर ओटीपी कहाँ से लगे हैं, तो ओटीपी का ओटीपी जो है आपका आपको ईमेल आईडी पे को मेल कर दिया गया है रेलवे एनटीपीसी के द्वारा। और अगर जिस किसी का भी नहीं आया है तो वो घबराए नहीं, आपको क्या करना है सिंपली, जो आपको नीचे दिख रहा होगा देखिए, आपको अगर ओटीपी नहीं आया, वैसे तो आ चुका है लगभग 50% स्टूडेंट्स को आ गया पर बहुतों को नहीं आया, तो आपको क्या करना है, देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको नॉट रिसीव्ड ओटीपी करके, तो इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास दूसरा जो है जो वेबसाइट है वो खुल के आ चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपको देखिए रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ ये तो पहले भी था, अब देखिए मैट्रिक का रोल नंबर और फादर्स नेम डालना है आपको, यानी कि 10वीं का जो आपका रोल नंबर था वो डालना है 10वीं का, और आपका पिताजी का जो नाम है वो डालना है। फिर आपको इस पर क्या कर देना है, आपको जैसे क्लिक कर देंगे ये कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर देना है। तो इसके बाद जो आपका पेज खुलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसा इंटरफेस के बाद दिखने वाला है, ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ये देखिए
जैसे ही आप उस पर आपने 10th का रोल नंबर और अपने पिताजी का नाम और जो ऊपर आपका NTPC का रोल नंबर था और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके पास आपको OTP नहीं डालना है, ठीक है ना। OTP का ये दूसरा मतलब दूसरा ही समाधान है, मतलब OTP अगर नहीं आया तो उसके लिए दूसरा वो समाधान है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर नोट OTP क्लिक करते हैं तो वो खुल जाएगा, उस पर आप 10th का रोल नंबर और अपनी वो डालते हैं डिटेल डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। रोल नंबर राहुल जाटा, ठीक है जी, मेरा मतलब दोस्त का मेरे ये फादर्स नेम और ये कर करके मदर्स नेम, ये सारी डिटेल आएगी। इसके बाद आपको ये नीचे दिख रहा होगा, देखिए आपको इस तरीके से दिख रहा होगा बैंक का नाम। अब आपको बैंक का नाम डालना है, आपका जो अकाउंट नंबर डाला है किसके नाम से अकाउंट है, ठीक है, वो डालना है। फिर IFSC कोड डालना है। IFSC कोड कहाँ मिलेगा, तो देखिए अभी बहुत से बैंकों का बदला हुआ है, इसी चक्कर में जो रेलवे दोबारा से फॉर्म भरवा रही है, अगर वो नहीं भरवाती क्योंकि अगर इसलिए जो कि IFSC कोड है आपका 2019 में चेंज हो चुके हैं बहुत से बैंक का, इसलिए वो दोबारा से फॉर्म फिल करवा रही है रेलवे, ठीक है ना। तो आपको IFSC कोड अगर आपके पास नहीं है, वैसे जो आपकी पासबुक होगी उसमें आपको मिल जाएगा, जो आपकी पासबुक होती है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप बैंक जाइए या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको इजीली वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर ब्रांच का नाम जहाँ पर आपकी जो बैंक स्थित है उसका आपको जगह का नाम डाल देना, और इसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देखिए इस तरीके का आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये मेरी मतलब डिटेल्स है ये, ठीक है ना, भरी थी। इसके बाद देखिए आपका, देखिए आपने भर दिया है, नेम डाल दिया, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका, जैसे आप भरेंगे ना तो इस तरीके कुछ वो आएगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, भविष्य में काम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक चेकबॉक्स करके आ रखा होगा आपके पास, इसमें क्या लिखा है कि आप ये देखिए, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अकाउंट डिटेल्स सीन अबव आर करेक्ट एंड आई एम ऑल्सो अवेयर दैट रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द अबव अकाउंट एंड RRB विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ इनकरेक्टनेस और इन द अकाउंट डिटेल। यानी कि जो आपने ऊपर डिटेल भरी है वो आपके द्वारा सही भरी गई है, अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो RRB उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आपके वो तो उसी अकाउंट में पैसे भेजेंगे जिसमें आपने उसमें सही कराया, ठीक है ना। 31 तारीख तक शायद लास्ट डेट है इसका, उसके बाद ही आपको मतलब 31 तारीख तक आप भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ गलती होगी तो एड कर लीजिए, नहीं तो आप कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो आप ये चीज़ें भरें ना तो बिल्कुल बिल्कुल एक एक पॉइंट उसको ध्यान में रखते हुए भरें, एक नंबर दो बार तीन बार चेक करके भरें, ठीक है। इसके बाद अब आप जैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस पर आप कन्फर्म एंड सबमिट कर लीजिए, ऐड करना है तो कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इसके बाद यहाँ पर क्लोज, यानी कि अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये तो पूरी डिटेल हुई थी। जैसे आप चेक बॉक्स जो था क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली ये लिख के आ जाएगा। तो इसके बाद आपको जो आपका RRB NTPC का रिफंड है, यानी कि जो आपका अमाउंट है जो भी जितना भी बनेगा वो आपने जो यहाँ पर जो डिटेल दिया उसमें आ जाएगा। कब आएगा, 31 अगस्त के बाद ही आएगा, क्योंकि 31 अगस्त तक तो ये फॉर्म भी भरे जाने, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी। अब पता नहीं है कब शुरू होगी, रेलवे आप भी जानते हो पेपर ही 2 साल लूंगा, तो ठीक है ना। इसके बाद ठीक है ना, तो यही वीडियो था। अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर दीजिए, रोल नंबर नहीं मिल रहा है या और भी कोई दिक्कत है, मतलब OTP का प्रॉब्लम है, तो सारी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।